व्हाट्सएप एवरीबॉडी, दिस इज शुकुर अहमद। तो आज मैं आपको बोलूंगा आप यूट्यूब चैनल का बैनर कैसे बना सकते हो, उसमें जो रिसाइज का प्रॉब्लम आता है उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि आप वो कैसे ठीक कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। तो गाइस हम जब बैनर बनाते हैं तो वहाँ पे एक रिसाइज का प्रॉब्लम आता है, उसका जो साइज होता है वो काफी डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे काफी सारे लोगों को नहीं आता है उसका जो साइज है वो परफेक्ट, उनको वहाँ पे समझ नहीं आता इसको क्या करें। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उसका जो साइज है वो प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हो एंड आप अच्छा सा बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हो एआई की मदद से। वहाँ से आज एआई का जो जमाना आ गया है, अब एडिटिंग एआई से ही करते हैं सभी, तो आप एआई से कैसे बैनर बना सकते हो और उसका जो साइज है वो परफेक्ट भी कैसे आप रिसाइज करके अपलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे, यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब चैनल बैनर मेकर। तो आपको जाना है जो सेकंड वाली वेबसाइट है canva.com, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर यूट्यूब चैनल आर्ट, इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद ब्राउज़र पे कंटिन्यू करना है। यहाँ आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, तो फिलहाल आपको ब्राउज़र से कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है, क्योंकि बिना लॉगिन के ये सेव नहीं होगा। तो आप लॉगिन कर सकते हो गूगल से या ईमेल से या फेसबुक से। तो फिलहाल मैं गूगल से यहाँ से लॉगिन करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना जब तक यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस है इस वेबसाइट का। यहाँ से आपको काफ़ी सारे बैनर मिल जाएंगे, टेम्पलेट, कोई भी आप जो आपको पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एग्जांपल के लिए कोई भी चूज़ करता हूँ। उसके बाद देख सकते हो नीचे काफ़ी सारे यहाँ पे एडिटिंग के लेआउट्स हैं एंड काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ से आपको टेक्स्ट वेक्स्ट अगर कुछ लिखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। मोर पे क्लिक करना है, सॉरी आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके बाद ऊपर टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, चैनल का नाम लिखना है या अपना नाम लिखना है। उसके बाद डन करना है इसको। यहाँ से फॉन्ट, काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, कोई भी फॉन्ट चूज़ करके। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके ले जा सकते हो ऊपर नीचे, और यहाँ पे इसको ऐसे खींच के आप बड़ा साइज़ कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे जूम हो गया उसको जूम आउट करना है एंड डन कर देना है। उसके बाद कलर भी आप चेंज कर सकते हो इसका, जो भी आपको कलर पसंद है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हो कलर पर टैप कर देना है, उसके बाद उसको कट कर देना है एंड यहाँ से एनिमेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ चेंज करना है यहाँ से तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन, बेसिक, इग्रेट, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आपको यहाँ पे इसको फिर सेव करना है, जब आप इसको एडिटिंग पूरी कर दोगे उसके बाद इसको सेव कर देना है डिवाइस में एंड ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सेव का एक ऑप्शन मिलता है, सेव पे क्लिक करना एंड ये सेव हो जाएगा और उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।